द फ्रेंड्स ऑल रियल्टिक। इससे पहले मैं बताता है कैनरा बैंक के अंदर कितना टाइप्स का सेविंग्स अकाउंट आपको देखने के लिए मिलेगा, कितना टाइप्स का करंट अकाउंट आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस वीडियो पे आज मैं बताऊंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के अंदर आपको कितना टाइप्स का सेविंग्स अकाउंट देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको जानना है, अगर आपको पता करना है, बिना से किसी भी जगह पर स्किप ना करकर चल फ्रेंड्स रियल टेक। अगर बात करें SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट का टाइप्स के बारे में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अंदर सेविंग्स अकाउंट का उतना ज़्यादा वेरियंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी जितना है आप लोगों के लिए इनफ है। इससे ज़्यादा सेविंग्स अकाउंट हर किसी को चाहिए नहीं, मतलब किसी को अगर कोई भी सेविंग्स अकाउंट खोलना है तो एक नंबर खोल सकते हैं, मैक्सिमम दो खोल सकते हैं ज्वाइंट अकाउंट, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। एक के नाम पे, एक के नाम पे करंट अकाउंट है, एक सेविंग अकाउंट हो सकती है, लेकिन एक के नाम पे चार पांच सेविंग्स अकाउंट एक ही बैंक के अंदर हो तो इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक खुद के नाम पे खोल सकते हैं सिंगल अकाउंट, और एक ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, लेकिन इससे अलावा नहीं। इसलिए जितना सेविंग्स अकाउंट है प्रोवाइड करे ये इनफ है, मोर देन इनफ है हर किसी के लिए, अगर आपको एक सेविंग्स अकाउंट खोलना है SBI के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं कौन से सेविंग्स अकाउंट उनके बारे में। SBI का जो सबसे पहले वाला जो अकाउंट होता है वो है SBI इंस्टा प्लस सेविंग्स बैंक अकाउंट। नेक्स्ट बैंक अकाउंट आता है बेसिक सेविंग्स बैंक डिपोजिट अकाउंट, जो BSDA अकाउंट भी कहते हैं। नेक्स्ट अकाउंट आता है बेसिक सेविंग्स बैंक डिपोजिट स्मॉल अकाउंट। नेक्स्ट आता है सेविंग्स बैंक अकाउंट। सेविंग्स बैंक अकाउंट नॉर्मल बैंक अकाउंट ही होता है, इनके अंदर उतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है कि बेसिक सेविंग्स अकाउंट और नॉर्मल अकाउंट के अंदर उतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। सिर्फ सिर्फ बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट अकाउंट के अंदर लिमिट कम रहता है, जो नॉर्मल अकाउंट के अंदर लिमिट बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो इसीलिए यही उससे ज़्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं। सेविंग्स बैंक अकाउंट फॉर माइनर, मतलब अगर आपका उम्र या फिर एज 18 साल या फिर उससे कम है, यानी 18 साल से जिनका उम्र कम है उनके लिए ये अकाउंट स्पेशली डिजाइन किया है, SBI सेविंग्स अकाउंट फॉर माइनर। मतलब सिर्फ सिर्फ 18 साल से नीचे जो है वही इस अकाउंट को खोल सकते हैं, अगर 18 साल से अगर ऊपर है कोई तो उनके लिए ये अकाउंट नहीं है। नेक्स्ट अकाउंट होता है सेविंग्स प्लस अकाउंट। सेविंग्स प्लस अकाउंट भी नॉर्मल यूजर के लिए ये डिजाइन किया गया, नॉर्मल यूजर ही ये ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मोटर एक्सीडेंट क्लेम अकाउंट, MACTS अकाउंट को भी आप खोल सकते हैं। रेसिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट, मतलब जो भी फॉरेन कंट्रीज का रहते हैं, मतलब NRI जो रहते हैं उनके लिए ये अकाउंट स्पेशली डिजाइन किया गया है, जहाँ पे अगर आप एक NRI हो तो आप इस अकाउंट को खोल सकते हो फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए। तो कुछ इस तरह से ही कुछ डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। और ये जो सेविंग्स अकाउंट कुछ इंट्रोड्यूस किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, अगर आपको खोलना है तो आप खोल सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें सैलरी अकाउंट का, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कुछ सैलरी अकाउंट भी प्रोवाइड करते हैं, जो सैलराइड पर्सन है, जो नॉर्मली कुछ अकाउंट मतलब 9-10 अकाउंट सिर्फ ये प्रोवाइड करते हैं सिर्फ सैलराइड को, मतलब जो जो जॉब करते हैं किसी भी जगह पर उनके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया, उनके अलावा कोई दूसरा ओपन नहीं कर सकता। अगर बात करें सैलरी अकाउंट की, तो सबसे पहला आया गया कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल, मतलब कॉर्पोरेट या फिर इंडस्ट्रियल जो भी है उनके लिए अकाउंट स्पेशली डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट अकाउंट आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट का जो जॉब करते हैं उनके लिए, और एक है स्टेट गवर्नमेंट का जो जॉब करते हैं उनके लिए ये अकाउंट डिजाइन किया गया है। एक है इंडियन रेलवेज, यानी इंडियन रेलवेज के जो जॉब करते हैं उनके लिए एक अकाउंट डिजाइन किया गया स्पेशली, और एक है डिफेंस लाइन फोर्सेज, मतलब जो भी डिफेंस लाइन पे रहते हैं उनके लिए एक स्पेशल अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के अंदर, जो जॉब नॉर्मल जो डिफेंस फोर्सेज पे है वो उनके लिए ये अकाउंट स्पेशली है, दूसरा कोई ओपन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर भी ये अकाउंट है, मतलब जो भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर जॉब करते हैं फिर नौकरी करते हैं उनके लिए ये अकाउंट स्पेशली डिजाइन किया गया, सिर्फ वही ये अकाउंट को खोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये रहते हैं पुलिस फोर्स, मतलब जो पुलिस के अंदर जॉब करते हैं उनके लिए एक अकाउंट स्पेशल डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट रहते हैं कोस्ट गार्ड, मतलब जो भी कोस्ट गार्ड का जॉब करते हैं उनके लिए एक अकाउंट डिजाइन किया गया स्पेशली। और नेक्स्ट रहते हैं SBI रिश्ते। SBI रिश्ते भी नॉर्मल अकाउंट सैलरी अकाउंट जो होते हैं इनके अंदर उतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सिर्फ सैलरी पर्सन के लिए ये, मतलब जिनके जिनका सैलरी आता है वो इस अकाउंट को खोल सकते हैं, बाकी दो भी कोई भी इंडिविजुअल जिनका कोई भी जॉब नहीं है कोई भी नौकरी नहीं है वो ये अकाउंट को खोल नहीं सकता। कुछ इस तरह से ही सेविंग्स अकाउंट के बहुत टाइप्स
टाइप से सैलरी है, नॉर्मल है, इंडिविजुअल है, कॉर्पोरेट है, कुछ डिफरेंस है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई के अंदर कुछ टाइप्स सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया गया है जो हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ कुछ अकाउंट है सैलरीड के लिए, कुछ कुछ अकाउंट है एज ए इंडिविजुअल हर कोई खोल सकते हैं। और इसी अकाउंट को आप चाहो तो आप यूज़ भी कर सकते हो। पहले मैं बता दिया कि एक अकाउंट के अंदर बहुत ज़्यादा अकाउंट नहीं होता और एक पर्सन के नाम पे बहुत ज़्यादा अकाउंट भी नहीं हो सकते एक बैंक के अंदर। अगर आप चाहो तो आपके नाम पे एक ही अकाउंट खोल सकते हो, और अगर फिर भी चाहते हो तो आप एक ज्वाइंट अकाउंट भी रख सकते हो, लेकिन एक आपके नाम पे ही दो तीन अकाउंट नहीं खोल सकते एक ही बैंक के अंदर। इसीलिए सिर्फ सिर्फ एक ही बैंक आपके लिए सही होगा, एक ही अकाउंट का टाइप्स आपके लिए सही होगा। मतलब चार पांच अकाउंट का खोलने का कोई मतलब नहीं है और आपके नाम पे होगा ही नहीं, क्योंकि किसी के नाम पे एक ही बैंक अकाउंट होते हैं एक बैंक के अंदर। अगर आपको दूसरे बैंक के अंदर खोलना है तो आप खोल सकते हैं, लेकिन एक ही बैंक के अंदर दो तीन अकाउंट आप नहीं रख सकते, नहीं खोल सकते। हाँ, एक सेविंग्स अकाउंट, एक करंट अकाउंट आप खोल सकते जरूर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स अकाउंट ही आप तीन चार खोलोगे ऐसा तो इम्पॉसिबल है, ये तो मुमकिन नहीं है। तो वीडियो कहीं तक रखते आशा करने वाले अपने एक्सप्लेन किया करो थोड़ा एम्प्लॉय। अगर पूरा प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब मैं ऐसा कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक को वीडियो में उसमें पूरा मिल जाए। सो थैंक्स वीडियो।